ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर शानदार 49वां शतक लगाया। विराट के शानदार शतक के बाद सभी जगह से बधाइयों का तांता लग गया। एक तो विराट का जन्मदिन, ऊपर से उन्होंने खेली शानदार पारी, उस पारी के बदौलत उन्होंने सचिन के 49 शतकों की बराबरी कर ली। ऐसे में इंडियन फैंस के साथ साथ दूसरे देशों के क्रिकेट फैंस ने भी विराट को बहुत सी बधाइयां दी। लेकिन हम आपको बताएंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जब उससे विराट के बारे में पूछा गया और कहा गया कि आज विराट ने शतक जमाया है और सचिन के रिकॉर्ड्स की बराबरी कर ली है तो क्या आप उनको बधाई नहीं देंगे, तब उस खिलाड़ी ने कहा कि भला मैं क्यों विराट को बधाई दूं। आपको बताते हैं भला पूरा मामला है क्या। दरअसल श्रीलंका के कप्तान कुसल मेंडिस ने कोहली को लेकर अजीब रिएक्शन दिया। मेंडिस से जब बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने पूछा कि क्या वो कोहली को उनके 49वें शतक पर बधाई देना चाहेंगे, पर मेंडिस ने कहा मैं उन्हें क्यों बधाई दूंगा। उनके इस जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। वाकई उनके इस बयान से सब हैरान हुए, क्योंकि विराट कोहली की ये उपलब्धि कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ऐसी उपलब्धि को हासिल करने के लिए लोगों को दो जन्म लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का स्तर इतना बढ़ चुका है कि खिलाड़ियों के सामने एक चैलेंज रहता है, जरा भी फॉर्म खराब रही और टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसे में विराट ने अपने करियर में निरंतर रन बनाए हैं, जो कि अपने आप एक बड़ी बात है। इतने लंबे करियर में निरंतरता बना के रखना और साथ ही साथ इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना कोई आम बात नहीं है। अगर कुसल मेंडिस की बात करें तो उन्होंने 119 मैचों में मात्र 3 शतक लगाए हैं। उनके लिए तो विराट का ये रिकॉर्ड सपने जैसा है, जिसे वो कभी साकार नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें जितने मेंडिस ने पूरे करियर में शतक बनाए हैं उससे ज्यादा तो विराट के वर्ल्ड कप शतक हैं। फिर भी किसी खिलाड़ी के बड़े रिकॉर्ड पर उसका सम्मान करने के बजाय अपने आप को ज्यादा समझदार दिखाना बहुत ही बचकाना हरकत है। बात बधाई की नहीं, लेकिन बड़े स्टेज पर पूछे गए सवाल का इस तरह जवाब देना बिल्कुल भी ठीक नहीं।